संगम विहार चौहान कॉम्प्लेक्स में आज क्षत्रिय समाज एकता मंच द्वारा संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रेमपाल सिंह चौहान अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए एवं परमवीर सिंह चौहान को संगठन का संयोजक बनाया गया एवं श्याम बिहारी सिंह चौहान को संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही बता दें कि संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा नियुक्ति की गई। आज संगठन में बहुत सारी समाज के हित की बातें रखी गई, जिसमें समाज में फैली कुरीतियां एवं बच्चों को लेकर उनकी पढ़ाई एवं उनके उच्च शिक्षा का भी इसमें जिक्र किया गया। साथ ही इन्हें क्षत्रिय भवन के निर्माण हेतु घोषणा की गई। साथ ही समाज की गरीब कन्याओं की शादी के लिए समाज के वरिष्ठ जनों ने इस पर मोहर लगा दी। संगठन के पूर्व में अध्यक्ष रहे नरेश सिंह चौहान, तेज सिंह बुंदेला एवं संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह व भागवत सिंह, इन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने समाज की एकता और अखंडता बनाए रखने और समाज का अपना एक भवन बनाने पर जोर दिया। हाँ, कभी एक दो महीने बाद अगर लगता है आपको कि इनको ही बुलाना चाहिए तो बुला सकते हैं शरद चंद्र। बाकी आप जो संविधान के तहत जो कार्य होता है वो सिर्फ आप लोगों का है, जो ही पदाधिकारी हैं उन्हीं का काम है। हम लोग तो आपको आपके सर ऊपर उठाने वाले हैं, तो आप सभी से आग्रह दो शब्द कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे वरिष्ठ बुंदेला जी जो है उनका अध्यक्ष भी रहे हैं, सदस्य भी, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में रही है शुरुआत से। यहाँ तक कि जब 12 साल पहले 13 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था इसका, तभी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मैं बस अभी जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, इनसे सबसे मैं बस दो शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि अब तो देखो बातें चलती रहेंगी। सबसे पहली बात यह कि हर महीने के जो पहला इतवार आएगा, पहला संडे, हमारी कार्यकारिणी की बैठक होगी ही होगी। और दूसरा ये कि हमारे अभी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं या संरक्षक रहे हैं, जो हमारे या वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, उनकी हमने टीम गठित की है, सबकी सहमति से हमने टीम गठित की है, जो जिसे हमने नाम दिया सलाहकार समिति व अनुशासन समिति। उस समिति में 6 लोग हैं, जिसमें हमारे बुंदेला जी हैं, हमारे नरेंद्र चौहान जी हैं, हमारे परमवीर जी हैं, JBS चौहान जी हैं, और सुंदर सिंह जी हैं, और भगत सिंह जी हैं। ये 6 लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो ये जो अनुशासन समिति और सलाहकार समिति है, ये सलाहकार समिति की जो सिफारिशें होंगी वो हम कार्यकारिणी को मन करना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये 6 लोग जो है, 6 लोग के अलावा और भी हैं वरिष्ठ, कुछ कार्यकारिणी में शामिल है, ये एक मजबूत पिलर है, जो 12 साल से चाहे किसी पद पे हो चाहे ना हो, ये मजबूत पिलर की तरह, छत होती है ना, छत के नीचे पिलर होते हैं, पिलर नहीं होंगे तो छत कहाँ होगी, नीचे जमीन पे। तो ये उस छत को सहारा देने के लिए ये मजबूत लोग शुरुआत से खड़े हुए हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो। हमने वो समय भी देखा है जब मात्र 4 दिन रह गए थे प्रोग्राम में, स्वस्थ पूजन के प्रोग्राम में, और कहीं कोई अता पता नहीं, तब भी बिना उसके संकोच के, बिना भेदभाव के, अपनी जेब से तुरंत पैसे निकाल के प्रोग्राम करा सफल। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि समाज को आगे ले जाएं, और उसी कड़ी के रूप में हमें बढ़ाना है आपको, ताकि हम में से भी कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कार्यकर्ता आगे निकले जिसपे आगे आने वाली पीढ़ी को गर्व हो कि यार भाई वो भी एक थे जिन्होंने ये कार्य किया। इन्हीं में से लोग निकल के, मान के लिए आप सब में से अच्छा कार्य करने वाले लोग जो होंगे वो निकलेंगे आगे, तो वो भी पीछे संरक्षक मंडल में पहुँचेंगे, है कि नहीं, जिनका गुणगान आगे आने वाली पीढ़ी करेगी। तो मैं बस बार बार सबसे बस यही निवेदन कर रहा हूँ कि सब अपना अपना काम करिए, सब बिजी रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। छत्रियों में बिजी रहना सबसे मतलब दुर्लभ होता है, लेकिन अच्छी बात है। महीने में एक मीटिंग हमें चाहिए कार्यकारिणी की, और दूसरा साल में हमारे 2 मुख्य प्रोग्राम होते हैं, बस 2 प्रोग्रामों में आप बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लीजिए, बाकी साल भर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी जो भी डिसीजन होगा वो हम कार्यकारिणी के माध्यम से लेंगे और जनता को बताएंगे। बस सबसे निवेदन करता हूँ कि बस सब साथ रहिए, मिलकर। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर, तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।